Dear students, I am Arnaja, going to discuss about worksheet number 16 of class 7th mathematics. This worksheet is for 17th September 2021. Our topic is exponent and power. Let us recall, 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. That means 2 को हम 4 times multiply करेंगे, तो ये जा करके होगा 16. यानी 2 rise to the power 4 or 2 rise to the power 4 27 3 is to 3 is to 3, yani 27 ko jadi hum is tarah karenge, pehle 3 se denge to 9, phir 3 se denge to 3, phir to ye 27 barabar aaya 3 into 3 into 3, yani 3 kitni baar hai, 1 2 3 baar. तो ये लिखेंगे, या लिखेंगे 3 rise to the power 3. इसी प्रकार 36 को 6 into 6 और 6 का स्क्वायर और 6 rise to the power 2. अब बात आता है, डिड यू नोटिस फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर. आपने नोटिस किया है जो कि इसका फैक्टर सिर्फ एक ही संख्या, एक ही नंबर है. वन नंबर मल्टीप्लाई इट सेल्फ मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम्स, वो बार बार वही संख्या है जो कि अलग अलग बार उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब जैसे एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर. ए को ए इंटू ए इंटू ए इंटू, दैट मीन्स ए को एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हो गया ए का, ये बेस है और एन पावर है. ठीक है, पावर नेगेटिव या बेस नेगेटिव हो सकता है. बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव. फॉर एनी पावर ऑफ वन, वन का कोई भी पावर हो तो वन ही कहलाएगा. दैट मीन्स वन का पावर 5 है तो 1 into 1 into 1 into 1, तो इसको करेंगे वन ही आएगा. माइनस वन को देखिए, माइनस वन का यदि पावर इवन ओड हो, आप जानते हैं जो दो माइनस मिलके प्लस होता है तो पेयर बनता है, तो एक अनपेयर रह गया तो इसलिए माइनस हो गया, और यदि पेयर बन जाता है तो प्लस हो जाता है. यानी यदि माइनस वन का पावर, माइनस वन का पावर इवन है तो वन होगा, और माइनस वन का पावर ओड है तो माइनस वन होगा. इसी तरह आप माइनस वन यानी माइनस ही को समझे, माइनस का पावर इवन तो प्लस, और माइनस का पावर ओड तो माइनस. अब प्रोडक्ट, अब देखिए प्रोडक्ट फॉर एडिटिंग नंबर, एडिंग नंबर रिपीटेडली, आप जानते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है. दैट मीन्स 4 into 2 यानी 8 हुआ, तो 4 को 2 टाइम्स करें या 2 को 4 टाइम्स ऐड करें तो बातें 8 ही आएगा. इसी तरह 2 into 5 2 5 या 10 होता है, तो 2 को 5 टाइम्स ऐड करें या 5 को 2 टाइम्स ऐड करें तो 10 होगा. एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाइंग नंबर से रिपीटेडली. जिस प्रकार ये था एडिटिंग नंबर से रिपीटेडली, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइंग नंबर से रिपीटेडली. 4 का पावर 3 है तो यानी 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 का पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 का पावर स्क्वायर तो यानी 5 into 5 25, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया है. यदि 5 का क्यूब रहता तो 5 into 5 into 5 होता, तो यानी 125 आता. अब आइए आगे दिया हुआ है जो कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है. कह रहा है लेट अस टू टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज. 4 रेक्टेंगुलर शीट लो एक ही साइज के. 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस ऑफ 2, उसमें से एक तो एक रेक्टेंगुलर शीट
दो बेस वाले लो, उसको द नंबर ऑफ टाइम्स सीट्स इज फोल्डेड, आप पहले 2 का पावर 0 एक ही यानी एक बार भी फोल्ड नहीं है तो नो फोल्ड है, तो एक ही रहेगा। यदि एक फोल्ड कर दिए, बीचों बीच फोल्ड कर दिए तो ये हो गया, 1 फोल्ड करेंगे तो 2 टाइम्स बढ़ गया, 2 1 2 1 जा 2। अब ये जो इतना हाफ कर दिए, इतना हो गया मान लो हाफ करके, अब इसको एक बार और मोड़ दिया, अब इसको खोले तो 4 टाइम्स हो गया, तो 2 को पावर 2 यानी 2 फोल्ड करे, पहला फोल्ड यहाँ था, एक फोल्ड और कर दिए तो 2, अब ये इतना आ गया, इसको एक और फोल्ड कर दिए तो यानी तीसरा फोल्ड किए तो 2 का पावर 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नेम, अब यहाँ पे 1 का पावर, यहाँ पे 1 बेस है, 2 पावर है, इसको 1 × 1 देखेंगे वैल्यू 1 हो गया। अब इसी प्रकार -1 है तो बेस क्या है इसमें, -1, पावर क्या है 3, इसका मतलब -1 × -1 × -1। अब यहाँ पे ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू। 7 का 3 है यानी 7 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, 7 × 7 × 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 आएगा। यह -4 है, -4 बेस है, 4 इसका एक्सपोनेंट है, तो -4 -4 और -4 और एक और -4, 4 बार -4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यह देखिए माइनस पेयर बना रहा है यानी ऑड इवन है तो यह पॉजिटिव आएगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 6 आता है, ठीक है। अब लेट अस डू के रूप में आप को हमेशा की तरह करने के लिए दिए जाते सवाल, तो आइए करके देखते। t × t क्या होगा, t² होगा। 512 को यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे या तो 512 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कई रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 8 को भी लिख सकते हैं, 8 को या 4 को भी लिख सकते हैं, 8 से किए तो ये आ जाएगा 8, इसको करेंगे 64, फिर 8 जा आ जाएगा, या 2 से भी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर 9 आएगा, या 8 का पावर 3 आएगा, ये दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है। अब अगला है, इसमें देखिए 3 कितनी बार है, 3 का स्क्वायर, 5 कितनी बार है, 5 3 बार है। अब सिंपलीफाई, 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, इसको करेंगे तो 3 और 4 को 4 टाइम्स करेंगे तो 2 5 6 आता है, 2 5 6 इसको करेंगे तो आएगा 7 6 8, और ये 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 बार 0, ये आएगा 4 और 25 को 5 का स्क्वायर 25 यानी 100। अब कह रहा है जो कि इसमें कौन सा नंबर, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। देखिए ध्यान रहे, जो इस तरह हो तो जिसका पावर छोटा होता है, जो बेस छोटा होता है वो ज्यादा बड़ी होती है, जैसे 4 का पावर 3 है और 3 का पावर 4 है तो ये बड़ी संख्या होगी। उसी प्रकार यहाँ पे आप करके भी देखे, ये वाला 5 × 5 हुआ, इसको करते हैं तो, और इसको करते हैं तो ये होता है, ये 25 हो गया यहाँ पे, और इसको करते तो 2 × 2 5 बार है, 2 × 2 × 2 × 2 और गुने दो, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32 ये 32 आया, तो कौन सी बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार इसमें 4 14 0 है, इसमें 17 0 होगा, ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब आइए जो कुछ और दिए हैं करने के लिए, क्या
किसी का भी पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू वन होता है। 343 को लिखेंगे फैक्टर के रूप में तो 7 × 7 × 7 यानी 7 का क्यूब। इसमें कह रहा है कि देखिए इसमें भी ए दो बार है और बी एक दो बार है, इसमें भी बी दो बार ए दो बार, तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। ऑल दे आर सेम तो नो, ऑल आर नॉट सेम, ये सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।